हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में क्यों हूँ। तो मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में इसलिए क्योंकि ये मेरा कॉपी वर्ल्ड है, जिसमें मैं अपने घर की डिज़ाइंस वगैरह बनाता हूँ। कुछ भी नया ट्राई करने से पहले अपने कॉपी वर्ल्ड में बनाता हूँ, देखने के लिए कि ये वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। और उसी में मैंने ये आयरन फार्म बनाया, जो मैंने ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के बनाया, और ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। एक बार मैं इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। और देखो, मैंने चारों तरफ स्लैब्स लगा लिए, बीच में जॉम्बी, ये जॉम्बी विलेजर्स को डराते रहेंगे और फिर गोलम्स बनोगे और ये आप पे अंदर आयरन आते रहेंगे। तो ऐसा कुछ आइडिया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। एक बार मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको दिखाता हूँ, अभी कोई स्पॉन हो जाए फटाफट तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ पे लावा रखा है, जहाँ पे ये मरेंगे, और ये देखो स्पॉन हो गया एक और अभी जस्ट हमारे सामने। तो जैसे ये स्पॉन होते हैं, यहाँ से पानी के जरिए यहाँ पे गिर जाएंगे, गिर जा भाई। और गिरने के बाद नीचे हॉपर से जो ये मरने के बाद जो आयरन छोड़ते हैं, तो वो आयरन वो हॉपर कलेक्ट कर लेगा। एक सेकंड इसमें जाके दिखा देता हूँ। और बीच में मैंने साइंस लगाए ताकि लावा नीचे ना गिर जाए, और ये जैसे ही मरेगा तब इसमें गया हमारा आयरन। तो ऐसे काम करता है। तो गाइस, मैं आ गया अपने रियल वर्ल्ड में। तो चलो इस आयरन फार्म को बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए स्लैब्स, और स्लैब्स मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे स्मूथ स्टोन्स बनाए, तो उनकी स्लैब्स ही बनाऊँगा। तो ये रहे जो मैंने वो गर्म करने के लिए रखे थे, मतलब फर्नेस में रखे थे, और इनके मैं स्लैब्स बनाऊंगा। ज़्यादा तो नहीं चाहिए, तो भी मैं अपने साथ में रखूँगा थोड़ी बहुत, ताकि क्या पता बार बार कौन आए घर में। तो चलो, अभी के लिए हमारे पास 66 हो गए, ये यूज़ करते, बाकी और चाहिए तो ले लेंगे, अपने पास ही या कोई ज़रूर हो नहीं है। चलो, और बाकी स्टोन्स वगैरह ले लूँ, क्योंकि मेरे को कुछ वॉल्स भी बनानी है फिर बाद में, जो हमारे घर के बीच में से डबल लेयर बनानी है, ताकि पानी ऐसे लंबा जाए। तो चलो फटाफट वहाँ पे चलते हैं। क्रिएटिव वर्ल्ड में तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का पता नहीं, यहाँ पे भी सेम ही काम करेगा। और मैं सोच रही हूँ वॉल्स वगैरह भी हटा दूँ, जैसे मैंने क्रिएटिव वर्ल्ड में हटा के रखी है, क्योंकि जॉम्बिस डरेंगे इनसे, और जैसे ही डरेंगे तो फिर बाद में वो। और पता है, जो नया अपडेट की वजह से जो गोलम के स्पॉन होने का वो सिस्टम थोड़ा बदल चुका है। अभी विलेजर्स को उनका काम भी करना ज़रूरी है, उनको सोना भी ज़रूरी है, तब जाके गोलम स्पॉन होंगे। तो हम लोग चारों बाजू स्लैब्स लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गोलम स्पॉन ना हो, और बीच में हम लगा देंगे जॉम्बीज और विलेजर्स को छोड़ देंगे खुला। तो जॉम्बीज तो वहाँ पर अटका रहेगा, जॉम्बीज तो कहीं जा नहीं पाएगा, लेकिन जॉम्बीज को देख के विलेजर्स डरेंगे, और वो डर के मारे वो गोलम स्पॉन करवाएंगे, और वो गोलम स्पॉन करने की वजह से हमारे पैसे बढ़ेंगे, मतलब आयरन आएगा। तो ऐसा है कुछ सिस्टम। तो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं, चारों तरफ स्लैब्स लगा लेता हूँ। और अभी के लिए तो मैं विलेजर्स को भी बाहर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को जॉम्बी भी पकड़ना है। तो जॉम्बी अगर विलेजर्स को खुला छोड़ के पकड़ूंगा, तो वो विलेजर्स के पीछे भागेगा, फिर जॉम्बी हाथ में नहीं आएगा। तो एक बार मैं विलेजर्स को बाद में छोड़ूंगा। और ये हमारे स्मूथ स्टोन ख़त्म हो गए, मतलब स्लैब्स ख़त्म हुई। चलो, इसलिए मैं साथ में लेके आया था। और बना लेते, और 64 बना लेते। और कोई, चलो फटाफट ये पूरा कर लेते। और मैं विलेजर्स के आगे भी कुछ लगा दूंगा, ताकि वो जॉम्बी उनके पीछे उनको देख ना पाए। और बीच में हमारा यहाँ पे वो रहेगा जॉम्बी कांच में बंद, और इनको भी मैं ऐसे बंद कर देते, ताकि जॉम्बी इनको कुछ भी करके हिट ना कर पाए, मार ना सके। तो इस बार ये फटाफट पूरा कर लेता हूँ। जैसे ये ऊपर गोलम तभी से दिख रहा है, और गोलम्स भी आएंगे, और आगे की वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे मस्त आइडियाज़ हैं। हम बीकन भी बनाना अभी से शुरू कर लेंगे, और एन्चेंटिंग तो अभी करनी ही है वैसे भी। चलो, ये फालतू की स्लैब्स हटा देता हूँ, और बाकी की जगह पूरी कर लेता हूँ। चलो, ये फटाफट पूरा करता हूँ। और गाइस, मैं जानता हूँ बहुत टाइम से सिर्फ माइनक्राफ्ट की वीडियोस आ रही है, तो थोड़े टाइम रुक जाओ, क्योंकि मेरे GTA 5 अपडेट में है। तो नेक्स्ट वीडियो पक्का GTA 5 की आएगी, क्योंकि वो अपडेट होने आया लगभग, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत बाकी है। GTA 5 के अपडेट ऐसे छोटे मोटे तो होते नहीं है, डायरेक्ट 15-20 GB एक साथ होते, तो उन अपडेट करने में टाइम लगता है। और मैं वैसे भी गांव में हूँ, तो इतना नेट आता नहीं है, और इतनी स्पीड पकड़ती नहीं है,
तो थोड़े टाइम और रुक जाओ, GTA 5 की वीडियो ज़रूर आएगी और बहुत सारे अलग अलग गेम्स की भी आएगी। और अभी मैं बहुत सारे स्टोन्स वगैरह लेने आया हूँ और मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो 1-2 घंटे का वीडियो, और इतना लंबा कोई देखेगा नहीं वैसे भी। तो चलो जॉम्बीज को पकड़ने के लिए जगह बना ली और अभी मैं डर्ट से ऊपर चलता हूँ। तो चलिए गाइस ये फटाफट पूरा कर लेता हूँ मैं जितना फटाफट हो सके, और जिसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, लगभग 1 घंटे की वीडियो बन जाती और इतना लंबा तो कोई देखने वाला है नहीं। और ये फटाफट मैंने बॉर्डर्स बना ली ताकि यहाँ तक मैं अपने पानी रखूँगा और इसके आजू बाजू मैं बना दूँगा वॉस, क्योंकि बाद में पानी को भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो आगे जाता है, बाद में वो रुक जाता है। तो ये 8 ब्लॉक्स उसकी लिमिट है, तो ये 8 ब्लॉक के मैंने लेयर बना के रखी। और एक बार मैं गोलम को मार देता हूँ आधा वेजर। चलो ये गोलम तो मर गया और मैं अभी वॉस लगाना शुरू करता हूँ, और ये भी बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है तो मैं इसे भी स्किप करने वाला हूँ। और ये आ गया हमारा पूरा मेन काम तो हो चुका है, अभी बस हमें जॉम्बी पकड़ना है। मैंने चारों तरफ पानी वगैरह सब लगा दिया, यहाँ पे मैंने ये हॉपर्स भी लगा दिए क्योंकि हमारे पास था बहुत सारा आयरन पहले भी था और भी चाहिए लेकिन। और अभी हम चलते हैं जॉम्बी पकड़ने, थोड़ा पेट भर लूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने जॉम्बी पकड़ने। और जॉम्बीस तो और नहीं, जॉम्बी पकड़ने से पहले मुझे एक नेम टैग चाहिए क्योंकि जॉम्बी को वहाँ पर रखूँगा तो वो मर जाएगा, मतलब डिस्पॉन हो जाएगा अगर हम उससे दूर जाएंगे। तो हमें एक नेम टैग चाहिए ताकि वो डिस्पॉन ना हो, और नेम टैग तो हमें लगभग मिल चुका है क्योंकि हमने वो फिश फार्मिंग की थी और उसमें मिल जाता है, तो वहीं से मिलता है। बाकी तो हमें कोई चेस्ट वगैरह ढूंढनी पड़ती है उससे मिलता है, लेकिन इससे मिल गया हमें। और सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं बहुत थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि चाहिए मेरे को। तो चलिए गाइस ये रोड तो मैंने ले ली और थोड़ी बहुत ले लेता हूँ, ये छोटी वाली ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि मेरे को वो भी बनाए साइंस भी बनाने जो ओक साइंस वगैरह, और उससे क्या जो लावा है मैं पूरा नीचे नहीं गिरेगा और मतलब बीच रास्ते में अटका रहेगा, तो वो बीच रास्ते में अटकने की वजह से गोलम भी मरेगा और हमारा आयरन भी नहीं जाएगा। तो फटाफट ये इसे भी बना ही देते। तो ये रही ओक साइंस, और अभी हमें चाहिए एक नेम टैग। नेम टैग हमारे पास कहाँ थी, एक काम करता हूँ पहले ये लगा देता हूँ फिर लगाते अपने नेम टैग एक बार सारा काम पूरा हो जाए। और ये मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा, वो बाद में हटा दूँगा। तो चलिए गाइस मैं चलता हूँ अंदर नेम ये साइंस लगाने, और यहाँ पे मैं साइंस लगा देता हूँ 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो ये हो गया, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा लावा, यहाँ पे नहीं लगती जाने दो। तो ये काम हो गया, अभी हमारा जॉम्बी पकड़ने का काम बाकी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेम टैग लेने, मेरे पास पड़े 2 पड़े हैं, एक को यूज़ करना पड़ेगा और मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा। चलो मैं आ गया घर के अंदर, और ये रहा हमारा एक नेम टैग, और हम इस जॉम्बी को नाम देंगे, देख लेना आप क्या नाम दूंगा, और जो भी नाम दूंगा आप उसे करना पड़ेगा, जो भी काम कहूँगा मतलब समझ ही जाओ। और इसका नाम रखेंगे हम सब्सक्राइब कर दो, लिख लो फटाफट में। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो, नहीं इससे हमें तुम्हें याद रहेगा कि आपको सब्सक्राइब करना है उस जॉम्बी की वजह से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत लगती है 1 घंटे की वीडियो 15 मिनट बताने में। तो चलते मैं अपने आप पे एक बार मैं ये फालतू की चीज़ें हटा दूँ, एक सेकंड का आ गया मेरी शवल ये रही, और इसे हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं, ऊपर जाने का भी कोई काम नहीं है। चलो ये मैंने हटा दी, और ये खड्डा मैं भर लेता हूँ। और एक बार जॉम्बीज को मैं पकड़ूँ कैसे, एक काम कर, तो जैसे ही जॉम्बी आएगा मैं यहाँ से बंद और यहाँ से बंद कर लूँगा, तो उसका एक ही जगह बचेगी वो यहाँ पे आके गिर जाएगा
और मैं उधर से बंद कर लूँगा। ऐसा कुछ प्लान है, क्या पता काम कर जाए। और ये रहा हमारा जॉम्बी जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ जा भाई आ जा, मैं अभी से नेम टैग नहीं लगाऊंगा, क्या पता बीच में ही मर जाए, या फिर तो एक बार वो अटक जाए फिर उसके बाद उसके ऊपर नेम टैग लगाऊंगा। और मेरे को दरवाज़ा भी तोड़ना है वरना वो अंदर आ नहीं पाएगा। तो ये दरवाज़ा भी तोड़ दिया, चलो अभी जॉम्बी के पास। ये जॉम्बी को मेरे को कुछ पहनाने के लिए भी चाहिए होगा क्या पता, क्योंकि ऊपर से मेरा पूरा कांच है तो सनलाइट भी उसे लगेगी। तो मैं उसे कुछ भी आर्मर वगैरह भी दे दूँगा जो मेरे बिल्कुल काम का नहीं है, कोई भी एक जूते वगैरह ही दे दूँगा। तो चलो ये गधा हमारे पीछे आ ही रहा है, आधा भी आ जा, तो जस्ट हमारे पीछे आ ही रहा है। और मैं अभी इसे ब्लॉक कर देता हूँ। ओ चलो आ गया ये, और ये अभी बीच में गिरना चाहिए, परफेक्ट। वही कहाँ पे जा रहा है, लगा 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 लगा, नहीं 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 पीछे पीछे पीछे, मेरे को परफेक्ट टाइमिंग करनी पड़ेगी। और ये लग गया, अब ये जॉम्बी सटका रहेगा। तो चलिए गाइस जॉम्बी को भी पकड़ लिया हमने और बिग बार। चलो ये रहा हमारे जॉम्बी को मैंने नेम टैग वगैरह सब दे दिया, चारों बाजू कांच भी लगा लिए। और मेरे को बाकी जगह फिल करनी पड़ेगी, और मैंने चारों बाजू के वो वॉल्स वगैरह भी हटा दिए, क्योंकि अभी ये विलेजर्स डरेंगे इनसे, और जैसे ही डरेंगे तो फिर हमारे पास वो भी आएगा, मतलब क्या कहते हैं, डरेंगे तो हमारे गोलम ज़्यादा स्पॉन होंगे, जितना ज़्यादा डरेंगे उतने ज़्यादा गोलम स्पॉन होंगे। तो थोड़ी बहुत स्लैब्स चाहिए तो उसे मैं करके पूरा कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ, मैंने एक उसे जूते भी दिए ताकि वो डिस्पॉन ना हो जाए या फिर कोई जल के राख ना हो जाए। और यहाँ पे मैं अपने AFK होऊंगा थोड़ी देर के लिए, मतलब मैक्सिमम एक घंटा होऊंगा, ताकि देखने के लिए कि कितने गोलम स्पॉन होते हैं। 2 सेकंड रुकते हैं, क्या पता कोई एक हो जाए फटाफट हमारे सामने, ताकि आपको देखो अभी जस्ट हमारे सामने स्पॉन हुआ और वो गिर चुका है। तो चलिए गाइस ऐसे ही थोड़ी देर हम AFK हो जाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस लगभग एक घंटा हो चुका है मैंने AFK होने के बाद, और मैं एक बार चेक करके देख लूँ कि कितने हुए हमारे आयरन गोलम के, कितने आयरन हुए। होप सो एक स्टैक्स 2-3 स्टैक्स से ज़्यादा ही हो, जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा उतने होते हैं। वाह चलो अच्छे ही काम कर रहा है अब तक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जब भी फ्री रहूँगा या फिर फिश फार्मिंग करूँगा तो तब तो और बढ़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 41 देख रहे हो कितना ज़्यादा है। तो मेरा बीकन तो अभी फटाफट बन जाएगा, आयरन की मेरे पास अभी ज़िंदगी भर में कितनी भी कमी होनी नहीं वाला है। ये 41 से ही नहीं होगी, लेकिन बीकन बनाना पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो चलिए ये आयरन रख देता हूँ, और हमारा आज का मेन काम तो हो चुका है आयरन फार्म बनाना, जो मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बनाया, जो बनाने का कोई आइडिया नहीं था। मैं सोच रहा था पानी के अंदर ही बनाऊँ, लेकिन जब मैंने जगह देखी तब और अच्छा काम करने लगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गुड बाय, लव यू।